Hey guys, welcome back to my channel FRD Studio. So, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं मीडिया क्वेरीज CSS के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि बिना इसके आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि जितना भी नॉलेज है इसके अंदर मीडिया क्वेरीज के बारे में वो आपको मिल सके और आप इजिली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे जितने भी लेटेस्ट ट्यूटोरियल मैं बनाने वाला हूं वो सब आप तक पहुंच सकें और आप कुछ ना कुछ नया सीख सकें। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक बहुत ही बेसिक सा HTML लेके रखा हुआ है, राइट। हम लोग कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल CSS यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें, सिर्फ कुछ इंटरनल ही करेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ मीडिया क्वेरी के बारे में जानेंगे कि मीडिया क्वेरी है क्या, उसको यूज़ कैसे किया जाता है, राइट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे HTML है, हेड है, टाइटल है, मेटा है, मेटा नेम व्यूपोर्ट है। इसके बारे में मैंने लास्ट लेसन में बहुत डिटेल में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या है और क्यों उसका इंपॉर्टेंस है। अगर आपको नहीं पता है मेटा व्यूपोर्ट क्या है तो उसको एक बार ये आप देख लीजिएगा, ऊपर राइट में इसका लिंक आ रहा होगा, क्योंकि बिना इसके मीडिया क्वेरी वर्क नहीं करती हैं, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको अगर ब्राउजर पे एक बार रन कराते हैं तो हमारा बैकग्राउंड में ब्लैक कलर आ रहा है बिल्कुल ही, जो कि हमने यहाँ पे नॉर्मल बॉडी में दिया हुआ है, राइट। तो मीडिया क्वेरीज हैं क्या, मीडिया क्वेरी क्या करते हैं यहाँ पे, ये ऐसा नहीं है कि CSS3 में ही आई हैं, ये CSS2 में भी थी, CSS3 में उसको और ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है क्योंकि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए, राइट। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहले @ हमें डालना होता है मीडिया, मीडिया के बाद में हम लोग लिखते हैं ऑल, देन एंड, एंड के बाद में ब्रेसेस, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आपका मैक्स विड्थ या फिर मिन विड्थ, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में कॉलन, उसके बाद में यहाँ पे आ गया विड्थ 1200 पिक्सल। इसका काम क्या है जैसे आपको दिखाता हूँ अभी। @ मीडिया का मतलब हो गया कि यहाँ से हमारा मीडिया क्वेरी शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो भी हम लोग काम करेंगे वो हमारा इस कंडीशन के अंदर काम करेगा, तो हमारी जो भी CSS अप्लाई होगी वो इस कंडीशन के अंदर ही अप्लाई होगी, राइट। इसमें यहाँ पे बात है ऑल, इस ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब है जैसे कि अभी क्या है, आपके सभी डिवाइसेस के लिए काम करेगा, यानी कि आपका स्क्रीन के लिए भी काम करेगा और आपके लिए प्रिंट के लिए भी काम करेगा। अगर आप चाहते हैं सिर्फ स्क्रीन के लिए काम करे, प्रिंट के लिए काम ना करे, तो आप यहाँ पे खाली स्क्रीन लिखेंगे, और अगर प्रिंट के लिए चाहते हैं तो यहाँ पे हम खाली प्रिंट लिखेंगे। इसको एक बार एज एन डेमो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा विड्थ, राइट। तो विड्थ क्या करता है यहाँ पे, जो हमारा विड्थ का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो भी हमारा व्यूपोर्ट है, यानी कि जो भी हमारा विंडोज है ब्राउजर का, उसका विड्थ डिफाइन करेगा। कि मैक्स विड्थ का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा इतनी विड्थ होनी चाहिए तभी ये काम करेगा, अगर उससे ज्यादा विड्थ है तो ये काम नहीं करेगी हमारी CSS। जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉडी लिखा और इसके अंदर मैंने दिया बैकग्राउंड दिया, बैकग्राउंड देने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा सपोज अभी के लिए रेड। सेव करते हैं, ब्राउजर पे चल के रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे अभी कोई भी चेंज नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो विड्थ है वो अभी 1200 पिक्सल से ऊपर है, राइट। तो जैसे आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट के बाद में आपके पास में यहाँ पे एक आइकन आता है जस्ट टूगल डिवाइस टूल बार, जो कि मैंने आपको पहले भी कुछ ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, राइट। इससे हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए चेक करते हैं कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। इसको एक बार यहाँ से चेंज करके नीचे कर लेते हैं, राइट। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इसका कलर रेड हो गया, रेड क्यों हो गया, क्योंकि हमारी जो इसकी विड्थ है वो है 941। तो जैसे ही मैं इसको 1200 या उससे ऊपर लेकर के जाऊंगा तो इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे सभी डिवाइसेस के लिए काम कर रहा है मैक्स विड्थ, यानी कि 1200। अगर मैं इसको जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए 900 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे ही मेरे कोई भी डिवाइस का विड्थ, यानी कि जहाँ पे मेरा वेबसाइट रन कर रहा है उसकी विड्थ जो है वो 900 से कम है, तो ऑटोमेटिकली उसका कलर वो जो है चेंज हो जाता है, ओके। तो अब इसके बाद में हम लोग एक बार प्रिंट के लिए भी समझ लेते हैं। तो प्रिंट के लिए हमें क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग डालते हैं विच इज H1 अभी के लिए, राइट, क्योंकि पेपर का कलर वाइट होता है ऑलरेडी, तो ये ब्लैक कलर यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो सपोज कीजिए हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग लिखी और बाय डिफॉल्ट मैंने जो है H1 का कलर अभी के लिए दे दिया है वाइट। जैसे मैंने कलर व्हाइट दिया, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ठीक है। तो जैसे आप अभी यहाँ पे चल रहे हैं फुल पे, तो अभी इसका कलर जो है व्हाइट आ रहा है, राइट, और उसको छोटा करते हैं तो अभी इसका कलर व्हाइट आ रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया, यहाँ पे H1 का कलर मैंने दिया सपोज रेड, कलर F F 1 2 3 4,
रेड कलर मैंने यहाँ पे दिया, मैंने उसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे भी चेंज हो गया। जैसे आप उसको प्रिंट करेंगे तो उसका कलर भी आपको जो है वो रेड मिलेगा, राइट। और अगर आप यहाँ पे इसको खाली प्रिंट कर देंगे तो फिर क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप अभी देख रहे हैं तो ये क्वेरी जो है आपकी काम नहीं कर रही है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वो प्रिंट आ गया है। अभी सिर्फ प्रिंट पे ही काम करेगी, किसी और पे काम नहीं करेगी। तो जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया तो उसका कलर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो जो टेक्स्ट है मेरा वो रेड हो जाएगा। बैकग्राउंड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने बॉडी का कलर दिया है, यहाँ पे एज एन पेपर लेता है बॉडी को, तो इसलिए वो यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी एक डिप बनानी पड़ेगी, देन उसका कलर आपको चेंज करना होगा, राइट। तो ये था प्रिंट का। जैसे अगर आप स्क्रीन करते हैं तो ये आपका सिर्फ स्क्रीन पे काम करेगा, प्रिंट पे काम नहीं करेगा, जैसा आप देख रहे हैं, राइट। प्रिंट पे वो कलर ऐड नहीं हुआ है। तो ये है आपका स्क्रीन और प्रिंट का डिफरेंस। बाय डिफॉल्ट ऑल होता है, आपको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसको हटा भी देंगे, खाली इतना लिख लेंगे तो भी ये एज एन वर्क करेगा ही करेगा, ऐसा कुछ इश्यूज में नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जो करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि जो हमारा जो मेन वेबसाइट है उस पर कुछ और दिखे, उसके बाद में टैबलेट्स पे कुछ और दिखना चाहिए, राइट, उसके बाद में मोबाइल पे कुछ और दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले @media लिखते हैं और उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मैक्स विड्थ। अब जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे मैक्स विड्थ है 1200, तो 1200 आ गया आपका बाय डिफॉल्ट फुल स्क्रीन का, तो हमने ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे 1200 हो गया आपका। जो भी नीचे टैबलेट्स आते हैं टैबलेट्स के लिए, टैबलेट से नीचे के लिए जो हमारी विड्थ होती है वो होती है हमारी 767 पिक्सल, 767 या फिर 768 भी आप रख सकते हैं, हम लोग इसको 768 दे लेते हैं। सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, राइट। तो अब क्या होगा, जैसे ही मेरा जो टैबलेट है वो ओपन होगा तो उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे चलते हैं, देते हैं बॉडी, बैकग्राउंड और ब्लू, सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, देखिए ब्लू हो गया। अब जैसे ही वो मेरा थोड़ा सा उससे ऊपर गया, जैसे उससे नीचे जा रहा है तो ब्लू है, उससे ऊपर गया तो रेड हो गया, उससे ऊपर हो गया तो ब्लैक हो गया, राइट। सेम ऐसे ही हम लोग इन्हीं क्वेरीज को हम लोग जो है वेबसाइट में काम जब हम लोग करते हैं, तो जैसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वेबसाइट में मीडिया क्वेरीज को यूज़ कैसे करते हैं। अभी ये बहुत बेसिक सा यूज़ है, आप एक बार समझ में आ जाए तो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अब इसके बाद में आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का ख्याल क्या रखना है, जैसे कि जो भी आपका मेन हायर विड्थ होगा वो ऊपर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर लिख देंगे नीचे लिख देंगे तो आपका जो सीसेस है वो टॉप टू बॉटम रेंडर होगा, तो इसको रेंडर कर लेगा, इसको रेंडर कर लेगा, तो इसको अप्लाई नहीं करेगा, वो सिर्फ इसी को अप्लाई करेगा। जैसे कि रिफ्रेश करते हैं, अगर आप इसको छोटा करेंगे तो सिर्फ रेड है, ब्लू नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो हमारा ऊपर चला गया है और नीचे वाली सीसेस ने उसको जो है ओवरराइड कर दिया है। तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसको हमेशा हमें नीचे ही रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, अगेन @media मैंने लिखा और मैक्स विड्थ मैंने डाला यहाँ पे और इसकी विड्थ दे दी हमने सपोज 400 पिक्सल। अगेन बॉडी, बॉडी के बाद यहाँ पे दिया हमने बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद यहाँ पे हमने कलर दिया, यहाँ पे कौन सा दें, पिंक देते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब इसको स्केल करते हैं। तो जैसे आप इसको स्केल करेंगे, पहले रेड हो गया, रेड के बाद में वो ब्लू हो गया और जैसे ही वो उससे नीचे आया वो ऑटोमेटिकली पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ये है मीडिया क्वेरी। तो इसमें आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग उसको हटा देते हैं, तो अगर आपको कोड चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको इसका कोड जो है वो आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से, आप चाहते हैं कि भाई पहले तो ब्लैक ही रहे, उसके बाद में थोड़ा कम हो, देन जैसे ही वो थोड़ा छोटा जाए ऑटोमेटिकली वो ब्लैक हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे एंड डालते हैं और लिखते हैं मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ जैसे 768 पिक्सल। अब यहाँ पे इसका कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या करेगा कि आपकी जो मैक्स विड्थ है, यानी कि आपकी विड्थ 1200 होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 768 तो होनी चाहिए, तभी ये जो सीसे से काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। जैसे ही वो यहाँ पे 768 पहुंचेगा तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली उसका कलर रेड हो गया, और जैसे ही वो 1200 क्रॉस करेगा ऑटोमेटिकली वो वापस वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मैक्स विड्थ और मिन विड्थ दोनों ही डाल सकते हैं, राइट, जैसा आपको अपने अकॉर्डिंगली जैसा सही लगेगा, हम लोग उसको वैसे ही आगे यूज करेंगे अपने एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट आता है विच इज, जैसे हम बोलते हैं ओरिएंटेशन, यानी कि @media हम लोग लिखते हैं यहाँ पे और उसके बाद हम लोग डालते हैं ओरिएंटेशन, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लैंडस्केप, यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो लैंडस्केप लिख सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे पोर्ट्रेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो ही ओरिएंटेशन होते हैं जनरली हमारे पास में, एक वन इज लैंडस्केप एंड वन इज पोर्ट्रेट, राइट। तो देते हैं बॉडी,
बॉडी के अंदर हम लोग डालते हैं बैकग्राउंड, अगेन बैकग्राउंड डालने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कलर पिंक, सेव करते हैं। जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये पिंक कलर हो गया, क्यों, क्योंकि अभी जो हमारा जो लेआउट है इसका वो एज एन लैंडस्केप है, यानी कि विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है। तो जैसे ही आप इसको छोटा करेंगे और जैसे ही आपकी विड्थ जो है वो हाइट से कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो सीसीएस का प्रॉपर्टी है वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पे इसको एज एन पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं, जैसे कि PORT पोर्ट्रेट मैंने लिखा, सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया। अभी क्या करेगा, जस्ट उसका अपोजिट काम करेगा, अपोजिट इन द सेंस कि अगर आपकी हाइट ज्यादा है और विड्थ कम है तो ये काम करेगा, अगर आपकी विड्थ ज्यादा हो जाती है हाइट से तो वो काम नहीं करेगा, राइट। तो जनरली हमारा जो मेन मीडिया क्वेरी यूज होता है हमारे HTML के अंदर वो हम लोग इसी को ही यूज करते हैं, मिन विड्थ मैक्स विड्थ, या फिर हम लोग जनरली प्रिंट यूज करते हैं इन सम केसेस कि अगर आपको वो चीज प्रिंट करानी है तो, अगर प्रिंट नहीं करानी है तो कोई इशू नहीं होता, आप एज एन मीडिया क्वेरीज को एज ए यूज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन होता है बट बहुत रेयरली हम लोग इसको यूज करते हैं, इतना मैटर नहीं करता है। जनरली जो कॉमनली यूज होने वाली प्रॉपर्टी है वो यही है, तो बेटर रहेगा कि आप इसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि अब जब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करेंगे जो हमने अभी कुछ टाइम पहले बनाई थी, तो आपको ज्यादा टफ नहीं होगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि उसको कैसे हमें यूज करना है। ऑलराइट, तो अगर आपको मेरा जो वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, अगर आपको कुछ ना कुछ न्यू नॉलेज मिली है इससे तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सबको भी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।